चलते गाना, चलते चल चला चल मंदिर पर चला चल, चलते चल चला चल मंदिर पर चला चल, तीर चलाना नजरों के छुपते जाना, तीर चलाना नजरों के छुपते जाना, प्यार सबको दिए जा प्यार सबका दिए जा, प्यार सबको दिए जा प्यार सबका दिए जा, बड़े जाओ बड़े जाओ बड़े जाओ बड़े जाओ, तू नजर मिलाए जा तू कदम बढ़ाए जा, तू हवा जमाए जा गाने से गाना, तू चलते चल चला चल मंदिर पर चला चल, चलते चल चला चल मंदिर पर चला चल, तीर चलाना नजरों के झुकते जाना, तीर चलाना नजरों के झुकते जाना, प्यार सबको दिए जाओ प्यार सबका दिए जाओ, बढ़े जाओ बढ़े जाओ बुढ़े जाओ बुढ़े जाओ, माफ कीजिए मैंने देखा नहीं। क्या देखा नहीं, घोड़े पे बैठे तो राजा बन गए, देखो मेरा मुंह देख। इतना गुस्सा, कल रात बारिश हुई और यहाँ कीचड़ हो गया, ये मेरा कसूर नहीं है। मैं इस रास्ते पानी भरने आई, ये मेरा कसूर नहीं है। तो क्या मैं घोड़े पर आया, ये मेरा कसूर है? जी नहीं, कसूर तो मेरा है कि मैं पैदल आई। अच्छा हुआ कि मैं घोड़े पर आया, ये भी अच्छा हुआ कि तुम पैदल आई, नहीं तो नहीं तो तुम्हारा ये गुलाब सा मुखड़ा मैं कैसे देख सकता। मुझे तुम्हारी तरह बातें बनानी नहीं आती। गागर में मोच पड़ गई, तुम्हारा घर वाला नाराज हो गया तो? मेरे ना कोई घर वाला है ना फर वाला है। अभी तक कुंवारी हो? जी हाँ कुंवारी हूँ। मैंने कहा मुंह पर जरा मिट्टी लगी रहेगी। कहाँ? यहाँ। यहाँ तुम बड़े ढीठ हो, मालूम नहीं तुम्हें क्या कहूँ। कहना तो मैं भी बहुत कुछ चाहता हूँ मगर मालूम नहीं कैसे कहूँ। तुम्हारा नाम? चंद्रा। तुम्हारा? मेरा नाम है मानू। तुम्हें किसी राह चलती लड़की से इतनी देर तक बातें करते देखकर शायद तुम्हारा घोड़ा नाराज हो रहा है। नहीं नहीं, वो तो खुश हो रहा है क्योंकि उसने अपने मालिक को किसी हुस्न की रानी के दर्शन करवा दिए। चंद्रा तो मुझे जाना चाहिए। मन भावन कावन आया रंग जमाया, मन भावन कावन आया रंग जमाया, मन भावन कावन आया रंग जमाया, क्यों कले कले मुस्काए क्यों कले हवा पुरवाए, क्यों कले कले मुस्काए क्यों चली हवा पुरवाई, संसार यही है ग्यारा, संसार यही है क्या वो नया रंग लाया है, नया रंग लाया, मन भा मन
मन भा मन का मन आया रंग जमाना मेरी भर गई नैन नगरिया मेरी भर गई नैन नगरिया चाहे भरे न भरे गगरिया मेरी भर गई नैन नगरिया चाहे भरे न भरे गगरिया मेरी खदी भरी बगिया मेरी हरी भरी बगिया में नया फूल आया मन भा मन का मन आया रंग जमाया चंद्रा आई बाबा कहाँ चली गई थी बेटी मैं कब से तेरी बात ये क्या है बाबा तुमने तो इसे मुझ जैसा ही बना डाला मैं तो अब तक समझ रही थी कुछ और बना रहे हो ये किस लिए बाबा मेरे लिए बेटा तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटी है ना तुम्हारे पास बेटी क्या उम्र भर पास रहती है बेटी कभी ना कभी तो उसे पराई होना ही पड़ता है तू अपने ससुराल चली जाएगी फिर घर में मैं अकेला ही तो रहूंगा जब जब मुझे अपनी बिटिया की याद आएगी इसे देख लिया करूंगा बातें करूंगा और क्या नहीं नहीं बाबा ऐसी बातें ना करो तुम्हारे सिवा मेरा और है कौन मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी बाबा तू तो यही कहेगी लेकिन मैं क्या तेरे साथ ससुराल जाऊंगा बेटी सो बेटी इन छोकरियों को कितने ही लाड प्यार से पालो पोसो आखिर पराया धन और ठीक भी है बेटी अपने घर जाए सुखी रहे फले फूले अरे चंद्रा इधर देख तो कैसी लड़की है हाँ? इतने में आंखें भर लाई अच्छी बेटी है वाह भाई वाह क्या बाप का ख्याल रखा है अभी तो इस तरह बाबा बाबा करती है जब ससुराल जाएगी और बच्चा होगा तो उसके हाथ में वेद देकर कहेगी जमा बूढ़े नाला की पीठ पर देख तो जरा वो भजन तो सुना वही भजन मायरी मैं तो हाँ मायरी मैं तो मधुबन में मायरी मैं तो मधुबन में मेरा के लिए नंदलाल पर के लिए नंदलाल मायरी मैं तो मधुबन सर पर मुकुट धरे सर पर मुकुट धरे गले पे जंती माल निरत लियो नंद लाल मायरी मैं तो मधुबन में भावरों के गुंजन में भावरों के गुंजन में कलियों के नैन में भावरों के गुंजन में कलियों के नैन में कुंज कुंज दान दान कुंज कुंज दान दान निरत लियो नंद लाल मायरी मैं तो मधुबन में राधा
मौत भरे राधा मंग मौत भरे मंद मंद बात करे राधा मंग मौत भरे मंद मंद बात करे हो गए नैना निहाल हो गए नैना निहाल नीरत लियो नमक लाल माय जी ने तो क्या कहूं बेटी, तुझ जैसी सुंदर और सयानी बेटी को कोई लायक वर मिले। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गए? नहीं, सोचता हूं उस लड़की को देखते ही आपका नाम मानू कैसे हो गया। तुम क्या जानो, वो तो जंगल का गुलाब है। अगर उसे मालूम हो जाता कि मैं कौन हूं तो क्या इतनी बात करती? फौरन हिरनी की तरह उछल भागती। पर दस्तखत कीजिए। मैं इस पर दस्तखत करूं? हां, मैं आखिरी दफा पूछ रहा हूं, आप मुझे राज देंगे या नहीं? राज का पहला हकदार बड़ा भाई होता है, फिर तुम्हें राज कैसे मिल सकता है? अब क्यों खड़े हो? तो आप दस्तखत नहीं करेंगे? मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? ये कहने के लिए कि राज के दो हिस्से करके एक मुझे दे दीजिए। क्या, राज के दो टुकड़े? राज हमारा नहीं है, लोगों का है। लोग कभी इसके टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे। लोगों की किसे परवाह है? अगर आप देंगे नहीं तो मैं खुद ले लूंगा। छिस, तुम मेरे बेटे हो? आप मेरे पिता हैं, आप मेरे दुश्मन हैं। शशांक, तुम चुप रहो। महाराज, आप मुझे बच्चा समझकर मेरी बात उड़ा रहे हैं। आप भूल रहे हैं कि मैं भी आपकी तरफ बहादुर हूं और बदला लेने की ताकत रखता हूं। ये आए आपके उत्तराधिकारी राजकुमार वीर सिंह जी। बुलाइए इनका जय जयकार, रखिए इनके सर पे ताज। कुछ दिनों में आपको मालूम हो जाएगा कि शशांक की तलवार में कितना पानी है। नालायक, तुम्हारी तलवार को एक जबरदस्त हुकूमत का सामना करना पड़ेगा।
अगर तुमने राजमहल में फिर से कदम रखा तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। शशांक अपनी जान की हिफाजत कर सकता है, आप अपना राज संभालने की फिक्र कीजिए। गिरफ्तार करो उस गद्दार को। अगर किसी ने कदम बढ़ाया तो लाश नजर आएगी। शशांक, ये कैसी नादानी है, तुम्हें राज ही चाहिए ना, मैं महाराज से अर्ज करके सिंहासन तुम्ही को दिलवा दूंगा। मुझे किसी की भीख नहीं चाहिए। जिद न करो, अपना रुतबा संभालो। पहले इसे संभालो। बूढ़े ने आखिरी जवाब में भी इनकार कर दिया। अब सिर्फ जबान से काम नहीं चलेगा, हमें मैदान में आना होगा। तुम लोग सब तैयार हो? तैयार है, तैयार है। तुम क्यों खामोश हो? आपके बड़े भाई वीर सिंह का राज में बहुत भारी मान है, वही आपकी तरक्की की राह का कांटा बना हुआ है। जब तक वो जिंदा है। उसकी फिक्र न करो, उसे मैं संभाल लूंगा। खास राजमहल में हमने अपना जासूस छोड़ रखा है, उसकी मदद और तुम लोगों के ताकत के भरोसे मैं किसी से नहीं डरता। बुलाओ सब बहादुरों को। अब फैसला करना ही होगा, इस पार या उस पार। बेला जिया केला गुनगुन क्या गाए, गुनगुन क्या गाए। मैं खड़ी अकेली याद किसी की आए आए आए। सांस की बेला बाग में भाग गए, घूम रहे हैं घूम रहे हैं, बाग में भाग गए घूम रहे हैं घूम रहे हैं, कलियों से मैं चूम रहे हैं चूम रहे हैं। मेरे भवरे अजागरे, मेरे भवरे अजागरे, ये कली तेरी तुम लाए हाय हाय। सांझ की बेला पिया मुझको तरसाओ आवो, अब न पिया मुझको तरसाओ आवो, प्रेम सुधा बरसाओ आवो। प्राण पतिहा पिया पिया कर, प्राण पतिहा पिया पिया कर, प्रीतम तुझे बुलाए। ये जिसे ढूंढते फिरते थे मुर नैना, ये जिसे ढूंढते फिरते थे मुर नैना, वो यहाँ चुकी है मोरे मन की मैना। हम रूठ गए कुछ भी न बात करेंगे बात करेंगे, हम रूठ गए कुछ भी न बात करेंगे बात करेंगे, हम रूठने वालों के नखरे भी सहेंगे सहेंगे। कोई प्यार भरे नैनों से हमें लुभाए, कोई प्यार भरे हृदय में हमें बसाए। गागर नई सी मालूम होती है। जी हाँ, इसीलिए इधर रख ली।
अच्छा तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ मैं यहाँ आने वाली हूँ? कैसे मालूम हुआ? जैसे मैं जानता ही नहीं कि तुम क्या सोचती हो क्या करती हो। ओ तुम सब कुछ जानते हो। अच्छा तो बताओ कल मैंने क्या किया? बताओ। कल जब तुम अपने घर पहुंची तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें देर से आने के लिए धमकाया। नहीं माँ ने नहीं तुम्हारी बड़ी बहन ने। नहीं इस दफा बिल्कुल ठीक बताऊंगा। तुम्हारे पिताजी ने तुमको धमकाया था। ये भी नहीं मेरे पिताजी मुझे कभी नहीं धमकाते। ओ कभी नहीं धमकाते? चाहे कुछ भी कहो। चाहे कुछ भी कहूं कभी नहीं धमकाते। सच? सच। तो एक काम करो सीधी घर जाओ अपने पिताजी से कहो बाबा बाबा मेरी एक सिपाही से जान पहचान हो गई वो मुझे बहुत चाहता है और मुझी से। अच्छे रहे कल तो मिले और आज ये वो चाहना वाहना बड़ी बड़ी बातें बनाने लगे। क्या किसी लड़की से ऐसी बातें पूछी जाती हैं? तो फिर किससे पूछी जाती हैं? घर आके पिताजी से पूछी जाती हैं। उनसे पूछूं तो? वो मुझसे पूछेंगे। तो तुम क्या कहोगी? जो मेरे मन में आएगा तुम्हें क्यों बताऊं? चंद्रा तुम्हारे मन में क्या है मुझे ना बताओगी? देखो डूबता हुआ सूरज कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। चंद्रा कुछ दंगा फसाद मालूम होता है इस वक्त मेरा महल में रहना जरूरी है। चंद्रा चलो तुम्हें घर पहुंचाता जाऊंगा। मेरा घर नजदीक है मैं चली जाऊंगी तुम जाओ। होशियारी से जाना।
कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। जरा गिर गया, बूढ़ा तो हूं ही। थोड़ा पानी लाओ ना। भाई नारायण इधर आओ। मेरी आखिरी घड़ी आ पहुंची। पास के गांव में मेरी बहन रहती है, मेरी बच्ची, मेरी चंद्रा। भैया उसे वहां पहुंचा दोगे ना? जहां भी रहे मेरी बच्ची। देश भर में लूट, कत्ल, मारकाट, इस तरह लोग कब तक बर्बाद होते रहेंगे, तबाह होते रहेंगे? क्या इतने बड़ी सल्तनत में कोई ऐसा नहीं है जो उन मामूली डाकुओं को गिरफ्तार कर सके? हर मुमकिन कोशिश की जा चुकी है। वो कहां से आते हैं, कहां जाते हैं और कहां रहते हैं, ये अभी तक मालूम न हो सका। अब तुम्हारे भरोसे रहना बेकार है, मुझे खुद जाना होगा। इसके लिए आपको जाना होगा? मैं उसे गिरफ्तार करके आपके कदमों में झुकाऊंगा। लोगों की मुसीबतें दूर करनी होंगी। वो तुम्हारा भाई है, इसलिए उसके साथ किसी तरह की रियायत न करना। ख्याल रहे। अगर इसी तरह हर वक्त रोती रहोगी तो तुम्हारी तबीयत का क्या हाल होगा? उदास न रहो, मेरी बात मानो। कहते हैं साथ भी अच्छा मिल गया है। हाँ बेटी, अपने रामानंद जी और उनकी संगीत मंडली गाने बजाने के लिए पास के गांव जाने वाले हैं। वो कहते हैं जाते जाते तुम्हें भी तुम्हारी फूफी के यहाँ छोड़ते जाएंगे। उठो बेटी। सोच विचार न करो बेटी, गाँव में दिनों दिन झगड़े बढ़ते जाते हैं, अब तुम्हारा यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं। उठो, संगी करो, कपड़े उपड़े बदलो। हाँ कहा माना, उठो। नदिया किनारे बगिया में चली, हमें कौन खिलाए पान? केसरिया अहिया न बहनो सजनिया, केसरिया अहिया न बहनो सजनिया। बिहार में पीली पड़ जाओगी दुल्हनिया, पीली पड़ जाओगी दुल्हनिया। तरसे लुगाई मेरी झुमके वाली बाबी तेरी, काली बदरिया गई डाकुओं का डर है। धीरे धीरे पाँव धरे इतने क्यों नखरे करे, धीरे धीरे पाँव धरे इतने क्यों नखरे करे। भैया बेलू बात बता, क्या तुम्हें ससुराल चला? हे हे था था, जल्दी चलो सांझ गली देखो, सांझ गली देखो। जल्दी चलो सांझ गली देखो, सांझ गली देखो। वाले वाले मेरी ये बैलों की जोड़ी, जो
छोटे सिंह पीछे नैन बैल मेरे देखो छोटी छोटी गाड़ी में के छोटी छोटी गाड़ी में के जाओ सैया आगे दीनी दीनी मलमल के ता दीनी दीनी मलमल के ता जाओ सैया तुम जागरे जाओ सैया तुम आगरे जाओ सैया तुम आगरे गाने बजाने वाले जिग जिग सब लोग कहाँ जा रहे हो? पास के गांव में गाने बजाने। गाने बजाने या नाचने गाने? नहीं सरकार, ये तो हट। नाच वहां क्यों, यहां होगा। नाचो, नहीं नाचोगे? नहीं
गिरफ्तार करने के लिए इसी जंगल में छावनी डाली है, उसके साथ फौज भी है। क्या वीर सिंह खुद आया है? अच्छा तुम एक काम करो। अरे इसे अपनी गुफा में ले जाओ। प्यास लगी है। प्यास? अच्छा अच्छा जा पानी पी के जल्दा जा। ठहर, तू कहीं पार हो गई तो इधर ला अपनी साड़ी का पल्ला। ये कैसी आवाज है? कांटों में साड़ी उलझ गई। ओ हुजूर, चाहे जैसी छुपी खबरें हों, हमसे पहले उन लोगों के पास पहुंच जाती हैं। अगर उन्हें हमेशा के लिए दबा देना हो तो हमें अचानक हमला करना होगा। हमला करना बाद की बात है, अपनी फौज यहां लाने से पहले
हमें उन लोगों के छुपने के अड्डे खुफिया तौर से ढूंढ निकालने होंगे। इसमें देर ना होनी चाहिए। जासूसों को रवाना कर दो। यही मौका है। इस मौके को हाथ से खो दिया तो हम खतरे में आ जाएंगे। अभी तक वो तैयार नहीं है, फौरन हमला किया जाए। महाराज वीर सिंह जी, इतना लंबा सफर करना पड़ा आपको? आपके राजमहल में सब खैरियत से तो है ना? राजगद्दी के हकदार, एक नाचीज डाकू से बात करेंगे? मैं गद्दारों से बात नहीं करता। गद्दार, नीच, भगवान ही बचाए तुझे। भगवान? देखें कहां है भगवान। ए, ले चलो इसे घोड़े पर बांधकर। मिलता है राज, बंद हो इसे। इसे भूख से, प्यास से घुटघुट कर तरह तरह कर मरने दो। वो पत्थर उलट कर इसे बंद कर दो। राजमहल को
डर रहे उतान से, ये शेर बच्चे डर रहे उतान से। ओहो ये तान सेन गाय दिन पाए चैन कर्ण क्या, तर चैन से ये हो रहे बेचैन बोल कर्ण क्या, तर चैन से ये हो रहे बेचैन बोल कर्ण क्या। सारी दुनिया अपनी दुनिया, सारी गलियां अपनी गलियां, बस्तियों में डेरा डाले डंक बजाए, बस्तियों में डेरा डाले डंक बजाए। भाई भाई गाड़ी रोको भाई, दया करके गाड़ी रोको भाई, भाई भाई ठहरो, दया करके जरा ठहरो भाई, मेरी बात तो सुनो भाई, भाई भगवान के लिए ठहरो भाई, कोई तो सुनो, सुनो भाई, क्या किसी के दिल में दया नहीं, किसी की जान जा रही है उसकी मदद करो, ठहरो भाई। ए अंधी बंदी तो नहीं हो गई, भागती हुई बैलों के आगे आ गई, कुचली जाती तो भाई। मेरी फिक्र छोड़ो, डाकुओं ने एक आदमी को गुफा में बंद कर रखा है, सब लोग चलकर उसकी जान बचाइए। अरे मैं तो कहता हूँ रास्ता छोड़, और तू दूसरी बकबक कर रही है। तुम कौन हो बहन, हमसे क्या चाहती हो? बहन वहाँ उस गुफा में एक आदमी कैद किया, उसकी जान बचाना आप लोगों के हाथ है, सबसे कहिए कि चलकर उसकी मदद करें। अरे बुद्धू अपने मुनीम जी का हवा देखो, घबराओ मत बहन, सब ठीक हो जाएगा। मुनीम जी, ओ मुनीम जी, ए, क्या है सब गाड़ियां क्यों रुक गई रे, हैं? ए ए ये क्या भीड़ भाड़ लगा रखी है, हैं? रुक क्यों गए सब? डाकुओं ने किसी को गुफा में कैद किया। देखो जी हम लोग ऐसी आलतू फालतू बातों में नहीं पड़ते, हमारा काम क्या है, हमारा धंधा क्या है, हमने सर्कस खोला है या धर्मशाला है? इस तरह ना बोलिए, कोई बेचारा रात भर से गुफा में कैद पड़ा हुआ अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा है, जरा दया कीजिए। वाह भाई वाह, दया करेंगे तो दिवाला नहीं निकल जाएगा, दया कीजिए। बाबा इस वक्त आप मदद करेंगे तो मैं उम्र भर आपका एहसान मानूंगी, आप जो कहेंगे वो करूंगी, आपके सर्कस में शामिल हो जाऊंगी, नाचूंगी गाऊंगी। बाबा ऐसी मुसीबत में हमें इनकार न कीजिए। वाह भाई वाह, क्या वाह भाई वाह, ये बिचारी जंगल में बेसहारा भटक रही है, और तुम्हें तर्स नहीं आता? मुसीबत में इंसान इंसान की मदद नहीं करेगा तो फिर उसमें और जानवर में फर्क क्या रहेगा? आओ सब लोग चले। बाबा ये पहाड़ कैसे हटाएंगे, इतना बड़ा पत्थर यहां रखा कैसे गया? अगर हाथी लाया जाए तो?
मानू जान को कोई खतरा नहीं है बहन, मामूली जख्म है, वहां ले जाकर कुछ दिनों तक देखभाल करने से बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मानू मानू प्रजाजनों, जिस राजगद्दी पर महाराज मयंक सेन, महाराज अनंग सेन और महाराज नाग सेन जैसे प्रतापी राजा विराजमान हुए थे, उसी राजगद्दी की जिम्मेदारी संभालने की शुभ घड़ी में हम आपके प्रेम और आदर से मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर बहुत ही खुश हो रहे हैं। फिर भी ऐसे आनंद के समय हमारा मन सुखी नहीं है। पूज्य बड़े भाई वीर सिंह जी की अकाल मृत्यु और उनके दुख से पूज्य माता पिता का संसार छोड़कर संन्यास ले लेना हमारे लिए बेहद दुख का कारण है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। अफसोस वीर सिंह जी, उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन एक बात सबके ध्यान में रहनी चाहिए, अगर कोई हमारी कानून से कायम की हुई सरकार के खिलाफ बगावत करेगा तो उसकी जिंदगी, धन,
दौलत सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा, ये कोई न भूले। हमें तख्त ताज लेने पर आप लोगों ने मजबूर किया, इसका हम हमेशा ख्याल रखेंगे। उम्मीद है कि आप लोग भी वफादार रहेंगे। बज गई, चलोगी नहीं? जरा ठहरी, मैं अभी आई एक पल में। हाँ हाँ मालूम है, वहाँ जाके तू एक पल में आ जाएगी। अच्छा बता तो तुझे कब कब मेरी राह तकनी पड़ी है? तुझे तो मालूम ही नहीं है ना, जरा इन दीवारों और खंभों से पूछ, ये बताएंगे कि मुझे कब कब तेरे लिए यहाँ ठहरना पड़ा है। हाँ हाँ तू पूछती रह इन दीवारों और खंभों से, मैं अभी आई एक पल में। मैं जा रही हूँ। चंद्रा यहाँ आओ। नाराज हो, क्या हुआ तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हें जरूर कुछ हुआ है। तुम रात दिन अपने दिल में कोई गहरा राज छुपाए रहते हो, तुम्हारे पास आते हुए भी डर लगता है, तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं। चंद्रा तुम तो मेरी बात सुने बगैर ही नाराज हो रही हो, तुमसे मिलने के बाद ही तो मेरी जिंदगी में मुस्कराहट आई, लेकिन जब भी मैं तुम पर अपने दिल की बात जाहिर करता हूँ तो तुम समझती हो कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ या धोखा दे रहा हूँ। अच्छा ये तो बताओ, ये छुपा भेस किस लिए? तुम हर वक्त किसी की राह देखा करते हो, कौन है वो? चंद्रा मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं कौन हूँ तो न जाने तुम। चंद्रा अब मैं बहुत ही खुश हूँ, तुम मेरे साथ हो तो मेरा सारा जीवन मधुरता से भरा हुआ है और मैं उसे खोना नहीं चाहता, लेकिन इस बात पर पूरा विश्वास रखना कि तुम ही मेरी जिंदगी हो, सुख में दुख में हंसने में रोने में मेरी सब कुछ तुम ही हो। जीवन की ऊंची नीची मंजिलें तय करते वक्त मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ होगा। चंद्रा मैं जहां भी रहूंगा जैसे भी रहूंगा तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगा। अरे पगली बस। अच्छा हंसो। हाँ मैं चंद्रा को बुलाने। कोई हर्ज नहीं, आ सकती हो। मैं अभी आई एक पल में। तो मैं वही ठहरती हूँ खंभों के पास। नहीं नहीं मैं अभी आई। लिख लिया? अरे कितनी देर लगाती हो? फिर भी 500 का घोटाला। हाँ लिखो। 200 रुपये का हाथियों को हलवा खिलाया गया। लिखो। घूर क्या रही हो? मैं कहूं ऐसे लिखती हो या नहीं? नहीं तो कान पकड़ कर निकाल दूंगा। हाँ हाथियों के लिए हलवा 200 का लिखा, शेरों के लिए घास 150 का।
फिर भी 150 का घपला। तो लिख दूं 150 का मछलियों को शरबत पिलाया। जरा शक्ल तो देखो, हाथियों को हलवा, शेरों को घास। कहो तो ये भी लिख दूं कि बाकी की 150 में तुम्हारी खोपड़ी के लिए दिमाग खरीदा। हाँ बिगड़ो नहीं, सचमुच 500 खर्च हो गए मगर याद नहीं आते। तो मैं क्या करूं? ए, मैं मुनीम जी हूं, लिखती हो या नहीं? नहीं लिखती। ये सब नहीं चलेगा, मैं लिखती विकती नहीं कुछ। उफ़ो, क्या मुसीबत है, मैं चिल्लाकर अभी सबको बुलाती हूँ। बाप रे, देखो जी तुम आदमी हो या। रीच रीच है, कौन है रीच? मैं नहीं साहब, एक रीच अंदर चला आया है। है रीच, जाओ जाओ शेरों के पालने वाले को बुला लाओ। कहाँ है यहाँ रीच? रीच झूठा कहीं का। मुनीम जी, मुनीम जी, अभी अभी आया है, बहुत बड़ा रीच आया था। रीच के बाप को आने दो, यहाँ बड़े बड़े शेरों और चीतों से खेलते हैं, तुम रीच को लिए। उस्ताद भागते कहाँ हो, पकड़ा उसे। वो जंगली रीच है, मेरे बस का नहीं, तो पालतू के लिए तुम्हें क्यों तकलीफ देते। चाबुक इधर लाओ, देखो मैं पकड़ती हूँ उसे। उतरो नीचे, मैं कहती हूँ उतरो नीचे। नहीं उतरोगे, नहीं उतरोगे, अच्छा तो लो। मुझे मारो मत, मैं रीच नहीं, मैं बुद्धू हूँ, बुद्धू। अरे अरे, अरे। तो काफी है, ज्यादा चक्करों से बेहोश होकर गिर पड़ोगी। चलो Thank you.
कहीं देखा? मैंने हर मुमकिन कोशिश की लेकिन महाराज और महारानी से नहीं मिल सका। तो उन्हें ये भी मालूम नहीं हो सका कि मैं जिंदा हूं? कालकोठरी तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल काम है। अपने माता पिता को कैद करने वाले नीच को। हुजूर, जल्दी करने से खतरे में पड़ जाने का डर है। आपके जिंदा होने की भनक भी हमारी तमाम कोशिशों पर पानी फेर सकती है। तो फिर तुम्हारा मतलब क्या है? आप यहां से कहीं न जाइए, यही जगह आपके लिए सलामती की है। मैं आपके हुक्म के मुताबिक काम करता रहूंगा। सारी व्यय आपकी तरफ है। ऐन मौके पर हम राजमहल में घुस जाएंगे। कोई नहीं, चंद्रा है। क्या उन्हें? मालूम नहीं। उस बेचारी ने मुझे बचाने के लिए बहुत दुख उठाए। वो सर्कस में भी शामिल हुई। अब मैं उसे ये सब बता के और दुखी नहीं करना चाहता। वो तो ये भी नहीं जानती कि मैं कौन। मानो, अब तुम जा सकते हो।
कहाँ है वो लड़की? उल्लू की तरह मेरा मुंह क्या देख रहा है? जानता है लड़की के फरार हो जाने की तुझे क्या सजा मिलेगी? महाराज आपके क्षमा कीजिए, वो जहां भी होगी मैं उसे लाकर रहूंगा और बगैर उसके महल में कदम नहीं रखूंगा। उठो। ये कहते शर्म नहीं आती कि एक मामूली लड़की ने तुझे धोखा दिया? बेवकूफ, तेरी जगह पर अगर कोई और होता तो इस अनमोल रत्न को होने से पहले मर गया होता। जाओ, वो जहां भी हो ढूंढ कर लाओ। मदद के लिए चाहे जितने नौकर चाकर सिपाही ले जाओ, वो यहां आने ही चाहिए। जाओ। Thank you.
घोड़ा नाचे घोड़ा कीमत इसकी 4000 बेच रही हूँ बीच बाजार। नाचे घोड़ा कीमत इसकी 4000 मैं बेच रही हूँ बीच बाजार। टांगे चाबुक जैसी तुम है चावर ऐसी, टांगे चाबुक जैसी इसकी तुम है चावर ऐसी। रूपवान घोड़ा पट्टा पहलवान घोड़ा, रूपवान घोड़ा पट्टा पहलवान घोड़ा। हाँ जी नाचे घोड़ा कीमत इसकी 4000 मैं बेच रही हूँ बीच बाजार। नाचेगा हाँ हाँ नाचे भारत नाट्यम नाचे, कथक नाच भी नाचे, देखो मणिपुरी भी नाचे। गीत गाएगा हाँ हाँ गाए, गजल कुमरिया गाए, अंग्रेजी गाना गाए। क्या ये दौड़ेगा हाँ हाँ दौड़े, क्या ये दौड़ेगा हाँ हाँ दौड़े, आग पीछे दौड़े आग पीछे दौड़े। किम्मत विम्मत सब दे देंगे, पहले नाच दिखाओ जी, कुछ गाना भी सुनवाओ जी। किम्मत विम्मत सब दे देंगे, पहले नाच दिखाओ जी, कुछ गाना भी सुनवाओ जी। है मंजूर कीमत है मंजूर, सब मंजूर नाचो 1 2 3। झूम झूम के जवान घूम घूम खूब नाच देखो देखो। क्यों दुलटिया चला के बच्चों के साथ अपना इश्क जोड़ा। मैं हूँ घोड़ा
साहबान, जरा गौर से सुनिए, आपने अब तक जो कुछ देखा वो सब उस चीज के आगे बिल्कुल है जो आप अब देखेंगे। आसमान से बातें करने वाले शामियाने में 80 फीट ऊंचे खंभों की बुलंदी पर दुनिया में पहली दफा एक लड़की जिंदगी और मौत के दरमियान बड़ी आसानी से हंसती खेलती झूला झूलती हुई छलांगे मारेगी। ऐसा अजीबोगरीब नजारा दिखाने वाली है हमारी नई अदाकारा चंद्रलेखा। Thank you.
भीड़ लगा रखी है, जरा हवा तो आने दो। जाओ चंद्रा, चंद्रा घबराओ मत, मैं जानबूझकर गिरी हूँ। हाँ? वो आया है जो मुझे पकड़ कर ले गया था। यहाँ वो लड़की? चुप रहो, वो हमें चकमा देना चाहती है, उसका भरोसा नहीं। मैं कहूं वैसे करो। कहां है? पता नहीं, अभी तो यहाँ था। तुम किसी और को देखकर डर गई हो। नहीं नहीं, मैंने उसी को देखा है, उसने भी मुझे देख लिया। जो भी हो, अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं। आओ चलें, मैं गाड़ी ले आती हूँ। चंद्रा, होशियारी से जाना। बड़ी मुसीबत सर से चली। बहुत दिनों के बाद आज दिखाई पड़ी हो। हाँ, बहुत दिनों के बाद। हाँ। सुन लो, इस मकान को चारों तरफ से सिपाही घेरे हुए हैं। मैं तुम्हें लिए बगैर कभी नहीं जाऊंगा, जिंदा या मुर्दा। चंद्रा, जिसको हम ढूंढ रहे थे वो बेचारा यहाँ इंतजार कर रहा है। मुझे पहचानते हो? कभी देखता तो पहचानता। शुक्रिया। चलो। चंद्रा, तुम्हारा जुकाम कैसा है? जुकाम तो जाता ही नहीं। तो दवा महल में मिल जाएगी। महल की दवा तो बड़ी कड़वी होगी। बकवास बंद करो, चलो। जी, बदतमीज। खफा ना होइए, मैं साफ किए देता हूँ। चंद्रा, बाहर कोई है तो नहीं? देखो। अभी
गाड़ी आई है और इसके साथ जो आदमी था ना वो यहाँ आ रहा है, अब क्या करें? घबराओ नहीं, जल्दी साड़ी पहनकर कुछ जरूरत की चीजें साथ ले लो, और देखो कैंची और चाकू भी लेती आना। मानू, हुजूर हुजूर, बाहर गाड़ी और घोड़े सवार तैयार है। अच्छा, आइए। तुम बैठो। माफ कीजिए हमारा। अच्छा अच्छा, जाओ। लोग कहां हैं? तुम यहां कैसे आए? हाँ, उधर खुशी से जाता है, इधर गड़बड़ में आता है। अरे भगवान, ये क्या तुम्हारा लीला है? ए, बंद करिए बकवास। उनको जाने क्यों दिया? वो भागे कैसे? बेवकूफ, तुझे नौकर रखकर मैं भी गधा बन गया। अच्छा, क्या अच्छा? जाओ जल्दी जाकर सिपाहियों और घोड़ों को लाओ। जी हाँ। इस तरह पे जाना ठीक नहीं, हमें किसी तरह उतर जाना चाहिए। सुनो, ये तो वही मालूम होते हैं। इधर से भाग चलें।
अब हम किसी के भी हाथ नहीं आ सकते। जंगल के बीचों बीच आ पहुंचे हैं। पहुंच तो गए मगर निकलना चाहेंगे तो राम भरोसे। यहाँ तो जंगल ही जंगल नजर आता है, कहीं आबादी का निशान तक नहीं। आओ जरा और आगे बढ़े। सब एक साथ तुम में से कोई एक आए कुमजोर क्यों चंद्रा समझी
कुमजो का मतलब हुआ तुम जाओ। इकरा तुम्हारी जबान हमारे पल्ले नहीं पड़ती। इकरा तुम्हारी जबान इनके पल्ले नहीं पड़ती। हो ना बापियो मल्ले हो। हाँ तुम बापियो कुछ भी नहीं मल्ले हो। गो की जबान उल जलूल मालूम होती है लेकिन लोग अच्छे हैं। चंद्रा एक बात समझ में आई, सोचता हूँ तुम्हें इनके साथ छोड़कर कहीं से गाड़ी ले आऊं। इकरा है उनसे? ये हमारी भारती। हाँ हाँ क्या? हाँ हाँ ये यहीं रहेगी। इली कच्ची लुई? हाँ हाँ इली इधर ही लुई। मैं जाकर गाड़ी लाता हूँ। हाँ इकरा गाड़ी गाड़ी। ओ गाड़ी है। मत्ते दादो लगामो 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 तेना से तुमाने। माले तो हम गाड़ी में चले जा रहे थे कि पीछे से फटफट की आवाज आई। हमने पीछे मुड़कर देखा, क्या देखा? सिपाही। सिपाही तुम ना? हाँ हम लपक कर कूद पड़े और गाड़ी चली जा रही है। वो लोग बहुत तेज आए और आके खाली गाड़ी को घेर लिया। बाजी बाजी मिलती ना? सिपाही मुझे पकड़ने आ रहे हैं। सिपाही दो पलू का तो पलू का। हाँ हाँ Thank you.
नौ के सी प्याज की प्यूरा तेरा रूमा हो क्या वहां भी नहीं है जी? तुमने उन सबको अच्छी तरह देख लिया ना? अजी वो तो खाना बदोश है, उनको क्या देखना? उनको क्या देखना, फर्ज करो उन्हें में हो। घोड़े मड़ो। देखो वो फिर इधर आ रहे हैं। ए, ठहरो। देखो कोई अपनी जगह से हिले नहीं, और उधर से किसी को जाने नहीं देना। तुम जाके खेमों की तलाशी लो। सबसे कह दो कि एक कतार में खड़ी हो जाएं। बत्ती बत्ती। जी हाँ। अब एक एक आओ। चल चल। चल 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 चल। चल 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 चल। चल ये देखा, ये तो उसी की है। तब तो वो यहीं होगी। वो देखो तो तुम यहां हो। अब क्या करोगी? सवार हो घोड़े पर। ले गए उसे। दरवाजा बंद है। आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई। तशरीफ रखिए। नहीं बैठोगी? बोलोगे भी नहीं? नहीं बोलोगी? बोलने जैसा क्या है? जबान तो खुली। अच्छा हुआ, मैं तो डर रहा था कि इतनी हसीन लड़की और गूंगी। तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को इतनी चालाकी शोभा नहीं देती।
हाँ तो तुम इस तरह भाग क्यों गई थी? क्या करती रही इतने दिनों तक? ये मेरी अपनी बात है, इसमें मुझे किसी दूसरे को जवाब देने की जरूरत नहीं। तुम्हारे महाराज का हुक्म हो तो? महाराज तुम डाकू हो, लुटेरे हो। लुटेरा? हाँ मैं लुटेरा हूं, मैं राज लेने के लिए लुटेरा बना और जरूरत हुई तो तुम्हें पाने के लिए दोबारा बनूंगा, लेकिन अभी तो मैं यहां का राजा हूं, ये कभी ना भूलो। ये मैं कैसे भूल सकती हूं? बहुत हो तो अब यही बात जरा प्यार से कहो। अब भी भागने की कोशिश? आओ यहां आओ, तुम मेरे सब्र की इंतहा देखना चाहती हो? मैं बहुत बुरा हूं, शशांक का हुक्म टालने की आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की। मैं जो चाहूंगा वो लेके रहूंगा, जिद से बाजना होगी तुम्हारा सारा नशा उतार दूंगा। फिर भी ये चालाकी। उठो, इसे ऊपर के कमरे में ले जाओ। चंद्रा से इतनी दोस्ती के बाद क्या मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती? देखना मैं काम बनाती हूँ या नहीं। किले के चारों ओर कड़ा पहरा रहता है, जानता खतरे में पड़ सकती है, बड़ी होशियारी की जरूरत है। तुम बेफिक्र रहो, भगवान ने चाहा तो काम बना के ही आऊंगी। जाओ।
चल भाग यहां से। मेरा हुस्न लूटने आया, मेरा हुस्न लूटने आया अलबेला, मेरा हुस्न लूटने आया, मेरा हुस्न लूटने आया, घायल हो गई रे कोई, घायल हो गई रे कोई, ये पूरी लंबी मुछ वाले आ मत वाले, ये पूरी लंबी मुछ वाले आ मत वाले, के मुछ पे नचाऊ निंदुआ कोई, के मुछ पे नचाऊ निंदुआ कोई, मेरा हुस्न लूटने आया, मेरा हुस्न लूटने आया अलबेला, मेरा हुस्न लूटने आया। मैं बनूंगी उसी की लुगाई, मैं बनूंगी उसी की लुगाई, होगा छप्पन गाँव गज राजा, होगा छप्पन गाँव गज राजा, बोले मुखले से घूंघट हटा के, बोले मुखले से घूंघट हटा के, लत उलझा के दिल उलझा के, धीरे धीरे कहूंगी आजा आजा, धीरे धीरे कहूंगी आजा आजा, हे मेरा हुस्न लूटने आया, मेरा हुस्न लूटने आया अलबेला, मेरा हुस्न लूटने आया। ओ मैं राजा रूपनगर का और तू मेरी पटरानी, वो मैं राजा चंद्र शहर का और तू मेरी महारानी। दो राजा भरे यहाँ पानी, दो राजा भरे यहाँ पानी, मेरी रूठी है इनसे जवानी, हाय मेरी रूठी है इनसे जवानी, जवानी मेरी रूठी है इनसे जवानी, जवानी मेरी रूठी है इनसे जवानी, जवानी मेरी रूठी, जवानी मेरी रूठी, जवानी मेरी रूठी, जवानी मेरी रूठी है इनसे जवानी। हे मेरा हुस्न लूटने आया, मेरा हुस्न लूटने, है कहाँ गई? समझे तुम, मगर कोई शख्स अपनी जिम्मेदारी तो समझता ही नहीं, कुछ होशियारी, कुछ देखभाल, कुछ सोच विचार, कुछ अकलमंदी, कुछ भी नहीं। अगर मेरे जैसा आदमी यहां ना हो तो सच कहता हूं कि देखा यूं काम होता है, कपड़ा बाहर और दरवाजा बंद। इस बात को लिखकर रख लो कि अगर मैं इस महल में न रहूं तो सब कपड़े बाहर और सब दरवाजे बंद। जी हाँ जी हाँ, मेरे आने से पहले वो गड़बड़ थी, वो गड़बड़ थी इस महल में कि कुछ पूछो मत। किसी लड़के को इधर से जाते देखा? कौन? एक लड़की छुपकर यहाँ महल में। ठहराने वाले तुम राजा हो या हो राजा के साले, मैं स्वर्ग और पाताल कहीं भी जाऊं, बेरोक टोक मैं अपना रंग जमाऊं। ओम रिम जिम झिम स्वाहा। ए, ये क्या गड़बड़ है, कौन हो तुम? मैं ज्वली विंध्याचल की रहने वाली, मैं मन की बात बताऊं, जो मांगो वही दिलाऊं, कौन हो तुम? महाराज। ओ महाराज, नमस्कार कीजिए स्वीकार,
अजर अमर राजन के राजा जुग जुग जय जयकार, बेटा बेटी समझ प्रजा को करते दिल से प्यार। मैं जोगन बन बन की रानी अलबेली मतवाली, फूक लगाकर मुर्दे में भी जान फूकने वाली। जंतर जानू मंत्र जानू जानू जादू टोना, प्रेमहीन में प्रेम जगा दू रीछे सजन से लोना। ओम रिम जिम जिम स्वाहा। ए, इसे महल में ले आओ। हो तुम? मैं जोगन हूँ मतवाली, विंध्याचल की रहने वाली। और जो भी काम हो पूरा कर सकती हो? मैं सपना सांस बनाऊं, मन इच्छा पूर्ण कराऊं। एक लड़की है, वो घड़ी घड़ी बेहोश हो जाती है, क्या तुम उसे ठीक कर सकती हो? क्या बेहोशी? हाँ, जब मैं उसके करीब जाता हूँ तो वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। ये दावा सबसे मेरा है, बेहोशी दूर भगा दूंगी। जिस दिल में अभी अंधेरा है मैं प्यार खिला दूंगी। अगर ऐसा न कर सकी तो तुम्हारा सर। बस, सर धरा थैली पर है, जोगन को किसका डर है। इसे चंद्रलेखा के कमरे में ले जाओ। सुनली, तुम यहाँ कैसे आ रहे हैं? मेरे आने की बात रहने दो, मैं जो कहती हूँ वो सुनो। मानू कहाँ है? धीरे बोलो। मानू ने ही मुझे यहाँ भेजा है तुम्हें छुड़ाने की। उस पाजी को मीठी मीठी बातों से मोहित करके किसी तरह उससे। हो गया? आधा हुआ। ध्यान से सुनो मेरी बात, उसे किसी तरह लुभा कर रिझा कर महल के अंदर नगारा नाच का इंतजाम कराओ। नगारा नाच? वो क्या है? कहते हैं बड़े बड़े नगारे लाए जाएंगे, उन पर लोग नाच करेंगे। ये सारा इंतजाम मानू का ही है, तुम्हें उसके कहे मुताबिक काम करना चाहिए, समझी? अब ज्यादा देर तक मुझे यहाँ नहीं ठहरना चाहिए, वो अचानक यहाँ आ सकता है। मैं जाती हूँ, होशियार। भूलना मत मेरी बात। लो अपना इनाम। ऐसे वैसे इनाम तो कर दूं तुम पर कुर्बान, पहले वो हो जाए तुम्हारी तब जोगन की शान। वो आए मीठी मीठी बातें सुनाए, महाराज मदहोश हो जाए और फिर जोगन झोली भर भर कर इनाम पाए। मगर एक बात महाराज, उसकी चमक दमक से राजा चकाचौंध हो नैन, गिर ना जाना बेहोशी में जोगन बोले बैन। राजा गिर ना जाना जी, गिरो तो मुझे बुलाना जी। Thank you.
जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा। उसने कहा था तुम बिजली की तरह चमकती दमकती हुई आओगी और मैं तुम्हारी चकाचौंध से बेहोश होकर गिर पड़ूंगा। कहीं सचमुच न गिर पड़िए। ये हुस्न ये शबाब फिर किसकी मजाल है जो होश में रह सके। चलो जरा और नाचो। अच्छा मगर वो हंटर हंटर अभी तक भूली नहीं। अब हमारे दिल एक हो गए हैं एक हो गए हैं। चंद्रा अब महाराज शशांक तुम्हारा गुलाम है। तुम बहुत थक गई होगी। लो तुम खाओ।
मैं तो आपका प्यार और शांति से दमकता हुआ मुखड़ा देखकर ही अपना दिल भर लेती हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शाबाश, कितनी मीठी हैं तुम्हारी बातें। मुझे ऐसी ही लड़कियां पसंद हैं। सचमुच चंद्रा, तुमने अब तक मुझे समझा ही नहीं। शशांक जो कहता है वही करता है। ये सारा राजपाट तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हें। सिर्फ मुझे? हमेशा मेरे साथ रहना होगा। उफ, कितनी मुश्किल शर्त है। तो हाँ कह रही हो? ना कैसे कह सकती हूँ। वाह, हुस्न के लायक दिमाग भी। चंद्रा, तुम ही मेरी रानी हो। रानी? महारानी? इस राज की रानी मैं? क्यों रे, सुन लिया महाराज शशांक क्या कह रहे हैं? वो तेरे सर पर राज मुकुट का भार रखना चाहते हैं, कहीं दब न जाना। अच्छा, और शादी कब? अभी उसके इंतजाम का हुक्म देता हूँ। और नाच? सब कुछ धूमधाम से होगा। मेरा मतलब ये नहीं था। हमारे खानदान में शादी से पहले नगारा नाच हुआ करता है। बस नगारा नाच का इंतजाम किया जाए। ऐसा शानदार नाच क्या आज तक हुआ न होगा।
से खेलना चाहती हो? देखना मैं क्या करता हूं, पड़े रहो। शशांक को हराने वाला अभी तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। वीर सिंह? हां मैं वीर सिंह, तुम्हारा सगा भाई। तुम अब तक जिंदा हो? क्या किया जाए, तुम्हारी बदकिस्मती, मैं अभी तक जिंदा हूं। नहीं, मेरी खुशकिस्मती, चाहे कुछ भी हो, तुम मेरे बड़े भाई हो ना। छोड़ दो, ये लो। तुम गुफा से बचे थे सिर्फ इस तलवार का शिकार होने के लिए। ये अभी मालूम हो जाएगा। वाली विंध्याचल की रहने वाली, ओम रिम जिम झिम स्वाहा। ओम
20 दिन। माता जी, तुम राजकुमार हो, ये आज तक तुमने मुझसे छुपाए रखा है। राजकुमार हूँ दूसरों के लिए, मगर तुम्हारा तो मानू हूँ ना। आज मिले हैं, हाँ हाँ आज मिले हैं, पिछले दिल आज मिले हैं, हाँ हाँ आज मिले हैं, परमानों के फूल खिले हैं, हाँ हाँ फूल खिले हैं, परमानों के फूल खिले हैं, हाँ हाँ फूल खिले हैं। सारा जहान है बोली चांदनी, हाँ बोली चांदनी, बोली चांदनी, हाँ बोली चांदनी। कहाँ चले, कहाँ चले, कहाँ चले, कहाँ चले। पिछले दिल आज मिले हैं, आहा आज मिले हैं, आहा आज मिले, आज मिले, आज मिले हैं।